शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे और राम मंदिर मां बनाएंगे और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जब पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया तो हिंदू राष्ट्र हिंदू को हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? हम इसलिए वोट देते हैं। आप रोजाना डाल के पेट्रोल का भाव हमें मत बताओ, अरे 500 रुपया भी पेट्रोल हो जाएगा तुम साइकिल से चलेंगे, लेकिन गंगा की सौगंध भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हमें भ्रमित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो पार्टी देश का हित करती है, अब देश में कहीं भी जाके देख लो, तुम केरल में देख लो, जहाँ पर मुसलमान की आबादी आधी हो गई वहाँ के हिंदुओं का जीना मुश्किल है, और तुम कहो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे इतिहास उठा के देख लो दादा, और काट काट के फेंक दिया रेला में जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पे। गांधी जी का चक्कर मत आओ, या कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि दूध देती भी ऐसे खल नहीं लाके पड़ा है खल लाके। जैसा तुम सर्च करके देखो, जवाहरलाल नेहरू का कहीं कर्म था उन्हें हीरो बना रखे देश को, और महात्मा गांधी ने देश के लाने कहीं करियो? अरे बापड़ा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसा 20-20 साल का है फांसी पर लटकड़िया महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कोई देश आजाद नहीं करिया, वो तो जाके आखिरी में हीरो बन गया, कुरूर कुरूर ऊंद्र मरियो और बैठ गयो भजंग। महात्मा गांधी ने कहीं नहीं करियो देश के लाने, और उसको देश को हीरो बना दिया। और जवाहरलाल नेहरू नंबर एक का गद्दार और अय्यस आदमी, वो प्रधानमंत्री बना था शुरू का, तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है मालूम आपको? दूध देती भैसे खलने लाके होके तो डंडा देर नवरा पड़ा है खल लाके। तो हमें भ्रमित करने की कोशिश ना करे, पेट्रोल भले ही रुपया 500 हो जाए तो हम साइकिल चलाएंगे, लेकिन विजयदशमी के दिन मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ गंगा की सौगंध वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। जब भी हमारे देश की रक्षा होगी और हमारे हिंदू लोगों की रक्षा होगी। निंतर के तुम चल के देख लो माँ, बड़ा बड़ा महल बना के दे रिया, बड़ा बड़ा मकान बना के दे रिया, अरे अफगानिस्तान में चलिया जाओ, जो भारत में 20 करोड़ में बंगलो नहीं मिले वो 2 लाख में 20,000 में मकान मिल जाए, तुम चल जाओ अफगानिस्तान में जाके मकान ले लो, और यही हालत तुम्हारी होगी अगर आबे कहीं 10-20 साल कांग्रेस की शासन देश में हो जागो, तो तुम तुम्हारा घर भी छोड़ छोड़ भागोगे। तुम कह रहे नहीं हमारे घर 20 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, तुम्हारा बाप का हार 1-1 हज़ार में तुम्हारा मकान बकेगा ना से, और नींद मानो तो जाके देख लो, सर्च करके देख लो, झूठ नहीं बोल रहे हो। अफगानिस्तान में तुम 20,000 में ऐसा मकान ले लो कि भारत में 20 करोड़ में नहीं बने। इसलिए हमें भ्रमित मत करो, रोज की बात मत करो, पेट्रोल बढ़ गया डीजल बढ़ गया, बढ़े तो बढ़े कतरो ही बढ़े, लेकिन मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद।